नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के अमेठी से आ रही है, जहां दो पक्षों में एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हो गया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के चार लोगों की हत्या कर दी, वहीं अन्य पांच लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल इस पूरे हमले में अमेठी के राजपुरा गांव के पूर्व प्रधान अमरेश यादव के परिवार पर हमला किया गया है और इस हमले में अमरेश यादव की मृत्यु हो गई है। अमरेश यादव का अपने ही पड़ोसी राम दुलारे यादव से कुछ समय से एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। आए दिन दोनों के बीच इस जमीन के टुकड़े को लेकर कहासुनी हो जाती थी। कई बार दोनों पक्षों में भयंकर कहासुनी हो जाती थी, परंतु आज तक किसी ने भी एक दूसरे पर हाथ नहीं उठाया था। परंतु कल रात 9 बजे अमरेश उसी जमीन के टुकड़े पर भूरन डलवा रहे थे। ये देखकर राज दुलारे यादव और उसके पक्ष को बेहद गुस्सा आ गया। इसके बाद पहले तो कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच बहुत कहासुनी हुई, परंतु कुछ देर बाद राम दुलारे यादव के पक्ष के जो लोग थे वो लाठी डंडे और तेज धार हथियार लेकर सामने आए। इसके बाद उन्होंने अमरेश यादव के पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। किसी ने भी उन पर दया नहीं करी और पूरे परिवार के 9 से 10 लोगों पर हमला किया गया। इस हमले में अमरेश समेत उसके माता पिता, दो भाई, पत्नी और भाई की पत्नियां भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस को गांव वालों ने तुरंत ही सूचना दी। पुलिस ने जब इतने बड़े हादसे के बारे में सुना तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि पूरा परिवार गंभीर रूप से घायल होकर बेसुध पड़ा है। पुलिस ने पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती कराया, परंतु पुलिस जब घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर्स ने वहां पर अमरेश तथा उसके बड़े भाई और उसके माता पिता को मृत घोषित कर दिया। अन्य जो घायल लोग थे उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वो लोग अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर रूप में हैं। इस पूरे हादसे के बाद गांव के लोग बेहद आक्रोशित हैं, क्योंकि एक ही परिवार के चार लोगों की मृत्यु हो गई है और ये गांव में बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैलाता है, साथ ही साथ गांव में गलत उदाहरण भी पेश करता है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है और पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। अभी भी अमरेश यादव के परिवार के जो अन्य लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति स्थिर नहीं है और उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे मामले हमारे देश में आए दिन सामने आते रहते हैं। जमीन और जायदाद को लेकर लोग तो अपने भाइयों को नहीं छोड़ते, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, ये तो फिर भी पड़ोसी थे। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई कर समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को भी फॉलो करें।